वेलकम बैक गाइस, पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, पोकेमॉन वर्ल्ड में हमने कई सारे पोकेमॉन को देखा है और अलग अलग टाइप के भी, पर सबसे कॉमन टाइप की बात करें जिनमें सबसे ज्यादा लेजेंडरीज भरे हुए हैं तो ड्रैगन टाइप के बाद फ्लाइंग टाइप एक ऐसी टाइप है जिसमें सबसे ज्यादा लेजेंडरी एंड मिथिकल पोकेमॉन्स हैं। सो इसलिए गाइस आज हम रैंक करने वाले हैं टॉप 5 फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स को। और हाँ गाइस, ये लिस्ट बाकी की लिस्ट की तरह नहीं होगी, ये लिस्ट थोड़ी अलग भी है क्योंकि गाइस हम इस लिस्ट में उन पोकेमॉन्स को भी फीचर करेंगे जिनकी पावर टाइम टू टाइम इंक्रीज होती गई। सो गाइस वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर देना, लाइक एम रखते हैं 2K लाइक का। वेल देखते हैं यार ये लाइक एम कंप्लीट होगा या नहीं। वेल गाइस मुझे आप पे पूरा भरोसा कि आप ये कर सकते हो। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना इस तरह की पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो जरूरी सूचना देना चाहता हूँ। पहली ये है कि हमने इस लिस्ट में रेकोइजा के मेगा फॉर्म को इंक्लूड नहीं किया है, बिकॉज अगर उसके मेगा फॉर्म को इंक्लूड करें तब यार ये ऑब्वियस सी बात है कि नंबर 1 पे वही रहेगा और दूसरे पोकेमॉन को चांस ही नहीं मिलेगा नंबर 1 पे आने के लिए। एंड द सेकंड वन इज दैट आज मैंने एक अल्टीमेट पोके क्विज रखा है और देखता हूँ यार इसका आंसर कौन कर पाता है। वेल जो पोकेमॉन अच्छे से देखते हैं और जिन्होंने सच में यार बहुत अच्छे से पोकेमॉन देखा है वही इसका आंसर कर सकते हैं। यार आज का पोके क्विज सबसे टफ है और भाई जिसने भी आंसर दे दिया ना, मान जाऊंगा यार सच में तुम में दम है। तो गाइस आज का पोके क्विज है कि ऐसा कौन सा पोकेमॉन है जो जब इवॉल्व होता है तब उसका साइज पहले से भी छोटा हो जाता है। हाँ गाइस हम सब जानते हैं यार जो भी पोकेमॉन इवॉल्व होता है तब एवोल्यूशन के बाद उसका साइज बड़ा हो जाता है, लेकिन एक ऐसा पोकेमॉन भी है जो इवॉल्व होता है तो उसका साइज पहले से भी छोटा हो जाता है। सो देखता हूँ गाइस इसका आंसर कौन कर पाता है। सो गाइस आप में जितना दम है पूरा लगा दो। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी इस टॉप 5 की लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है गिगांटमैक्स चार्जार्ड का। गिगांटमैक्स चार्जार्ड ने अपने फर्स्ट अपीयरेंस ही बता दिया है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और गाइस वैसे भी चार्जार्ड की पावर टाइम टू टाइम एनिमे में बहुत इंक्रीज हुई है, लेकिन गिगांटमैक्स फॉर्म के बाद तो भाई ये सारे नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन का किंग बन चुका है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन गिगांटमैक्स चार्जार्ड का सामना कर पाएगा। और यार इसका गिगांटमैक्स वाइल्ड फायर जो एक बार लग जाए तो यहाँ पे उसकी आग तब तक जलती रहेगी जब तक सामने वाला फेंट नहीं हो जाता। एंड गिगांटमैक्स चार्जार्ड आल्सो डिफीटेड डायनामैक्स गैराडोस विद ईज। और गाइस इतने रीजंस काफी हैं गिगांटमैक्स चार्जार्ड को इस लिस्ट में नंबर 5 की पोजीशन पर रखने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 पर आता है येवेल्टेल, वही इविल पोकेमॉन जिसके पास दूसरों के लाइफ फॉर्म्स को छीनने की ताकत है एंड प्लस इसका ओब्लिवियन विंग काफी ज्यादा स्ट्रांग अटैक है। और दूसरी तरफ येवेल्टेल ऑरा ट्रियो का एक मेंबर भी है और ये एक लेजेंडरी पोकेमॉन है जिसके बेस स्टैट 680 है और बेसिकली एक ऑफेंसिव पोकेमॉन है। और इसका फर्स्ट अपीयरेंस डायंसी एंड द ककून ऑफ डिस्ट्रक्शन में हुआ था एंड डायंसी एंड द ककून ऑफ डिस्ट्रक्शन मूवी में अपने फर्स्ट अपीयरेंस के साथ ही इसने साबित कर दिया था कि ये किस हद तक पावरफुल है। और इसकी डार्क ऑरा एबिलिटी के कारण इसके डार्क टाइप अटैक्स की पावर 33% इंक्रीज हो जाती है एंड प्लस यहाँ पे येवेल्टेल ने ऑलमोस्ट सारे पोकेमॉन के लाइफ फॉर्म्स को एब्जॉर्ब कर लिया था और एंड में ज़र्नियस को ही आकर उन्हें बचाना पड़ा था। सो गाइस इन्हीं सब रीजंस की वजह से येवेल्टेल इस लिस्ट में नंबर 4th पर आता है। नंबर 3 पर आता है लेजेंडरी बीस्ट का ट्रायो मास्टर हो-ओ, जिसकी सबसे ज्यादा पूजा की जाती है पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में। और गाइस हो भी एक लेजेंडरी पोकेमॉन है जिसके बेस स्टैट 680 हैं और ये बेसिकली एक ऑफेंसिव पोकेमॉन है। और हो के पास ऐसी शक्तियां हैं जिससे ये दूसरे पोकेमॉन को नई पावर्स देकर जिंदा कर सकता है, जैसे कि इसने फ्लारियन, जोल्टियन और वोपोरियन को नई पावर्स देकर जिंदा कर दिया और उन्हें एंटेराइका और सुकून बना दिया। और गाइस हो का सिग्नेचर अटैक सेक्रेट फायर है और हो वो पहला पोकेमॉन है जिसे ऐश ने सबसे पहले अपनी जर्नी में देखा है। सो गाइस नंबर 2 पे आता है रेकोइजा। हाँ गाइस वही पोकेमॉन जो हमेशा नंबर 1 पे आता था, लेकिन इस बार मैंने इसके मेगा फॉर्म को इंक्लूड नहीं किया है। सो गाइस इसीलिए रेकोइजा इस बार नंबर 1 पे नहीं बल्कि नंबर 2 पे है, क्योंकि बेस फॉर्म में रेकोइजा की इतनी ज्यादा ताकत नहीं दिखाई गई है। और बेस फॉर्म में अगर हम देखें तो भले ही इसने डेस्टिनी डिओक्सिस मूवी में डिओक्सिस से फाइट करके उसे काफी अच्छी टक्कर दी, पर फिर भी डिओक्सिस एक सुपीरियर ओपोनेंट साबित हुआ रेकोइजा के सामने। बट स्टिल रेकोइजा के अटैक्स बेस फॉर्म में भी काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, जैसे कि हाइपर बीम एंड ड्रैगन पल्स। और गाइस रेकोइजा ने बेस फॉर्म में फर्स्ट बैटल में यहाँ पे डिओक्सिस को हरा भी दिया था। और रेकोइजा गेम्स का मैस्कॉट भी रह चुका है जिसके बेस स्टैट 680 हैं और ये बेसिकली एक ऑफेंसिव पोकेमॉन भी है। तो चलिए गाइस फाइनली बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। सो नंबर 1 पे आता है लूगिया। गाइस ये पोकेमॉन सबसे स्ट्रांगेस्ट फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है अगर हम रेकोइजा के मेगा फॉर्म को इंक्लूड ना करें तो, बिकॉज लूगिया को अटैक से बचने में महारत हासिल है। म्यूटो के बाद अगर कोई सबसे तेजी से अटैक को डॉज करता है तो वो लूगिया ही है और लूगिया की स्पीड भी उसकी बैटल में काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। प्लस लूगिया के पास ऐसे ही पावर्स हैं जिससे अपने पंखों को फैलाकर एक ऐसा स्टॉर्म क्रिएट कर सकता है जो पूरे 40 दिन तक चल सके। और गाइस लूगिया के बेस स्टैट भी 680 है। वैसे तो लूगिया एक डिफेंसिव पोकेमॉन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके अटैक में दम नहीं है। एक डिफेंसिव होने के बावजूद भी लूगिया के ऑफेंस में बेहिसाब ताकत है। इसने एक ही एरो ब्लास्ट से एक बहुत ही बड़ी मशीन को डिस्ट्रॉय करके दिखा दिया था। और गाइस हुपा इन द क्लैश ऑफ एजेस मूवी में लूगिया ने यहाँ पे एक सेकंड से ही ऐश को बचा लिया था हाइपर स्पेस फ्यूरी हिट होने से। और हुपा अनबाउंड को भी काफी अच्छी टक्कर दी और प्लस अपने ड्रैगन रश से काफी देर तक डोमिनेट करके भी रखा था। सो इसलिए गाइस मेरा ओपिनियन में अगर हम रेकोइजा के मेगा फॉर्म को इंक्लूड ना करें तब लूगिया ही सबसे स्ट्रांगेस्ट फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन रहेगा। तो गाइस आज की वीडियो बस यहीं तक थी। तो गाइस अगर आपका फेवरेट पोकेमॉन इस लिस्ट में नहीं है तो प्लीज यार हर्ट मत होना, अब उस फेवरेट पोकेमॉन का नाम मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में।
और गाइस आप अपनी भी लिस्ट बता सकते हैं टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन के बारे में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना इस तरह की पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।